भले ही केंद्र और प्रदेश की बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती हो, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले के इटावा थाना क्षेत्र के गोराया गांव में एक शादी के लिए बारात निकालते समय दो समुदाय में हुई मारपीट के बाद पुलिसिया कार्रवाई कुछ और ही बयां करती है। 6 मई को हुई मारपीट की घटना के बाद लगभग विशेष समुदाय के 2 दर्जन परिवार पुलिसिया खौफ से गांव से पलायन कर चुके हैं। एक दलित और मुस्लिम परिवार के बीच हुई मारपीट की घटना को इस प्रकार अंजाम दिया गया कि गांव में हर ओर दहशत का माहौल खड़ा है। गाँव के सभी मुस्लिम परिवार घर छोड़कर फरार, यहाँ तक कि कुछ महिलाएं गाँव में बची हैं, घरों पर ताले लटके हैं। गाँव की गलियां चीख चीख कर खौफ की दास्तां बयां कर रही हैं। पहले ये गलियां लोगों के आने जाने से काफी गुलजार हुआ करती थी, लेकिन पुलिस की खौफ की वजह से यह सुनी नजर आ रही हैं। पुलिस इस मारपीट की घटना को सांप्रदायिक बनाने में कोई कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि गांव में जो भी आने की कोशिश करता है उसे पकड़कर आरोपी बना रही है। यहाँ तक कि पुलिस उत्पीड़न का आलम यह है कि बच्चों तक को अपराधी बना दिया गया। पीड़ित समुदाय अपने अपने साथ हुई पुलिस कार्रवाई के खौफ से नहीं निकल पा रहे हैं और रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने को मजबूर हैं। वहीं इस मामले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी गांव का दौरा किया, वहां के हालात देखकर दंग रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सत्ता पक्ष के सारे पर प्रतिपादित किया जा रहा है, इसे जल्द जल्द बंद किया जाए। वहीं पुलिस के अधिकारी इस गंभीर मामले पर कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। न्यूज फ्रीडम के लिए सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान की रिपोर्ट। दो ठो नाती आए रहे, एक ठो बम्बई से एक ठो परसा से। हम रहे, हम डर के मारे पल्ला दाई दी, हमारे दूर तार का पल्ला हमारे बच्चन के उठा ले गए, मारते पीटते अब सब घर छोड़ दिया। हम के मारा रहा क्यों उठा लेके गए पुलिस वाले, चेक चेक जीप लेडी से जिन्हें स्कूल लाए रहे भैया, हम मारी ना घम 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 घम। आप लोग झगड़ा बनाए रहे हो, आप लोग नहीं कुछ नहीं, कसम दुनी चाहे जो लोग साथ। हमारे बच्चा के जेल में ले गया है सिद्धार्थ नगर बंद की नहीं, हम उस लफड़ा झगड़ा में रहे नहीं, हम यहाँ के बिटिया हुई खबर हुआ बंद भाई। और बालिक हमारे बच्चा के यहाँ से थाने में ले गए, वहाँ नाबालिग जोरी नहीं, और सिद्धार्थ नगर ले गए तो वहाँ बालिक में जोर के ले गए, वहाँ गए तो हमारे बच्चा का चिल्लर रूम में डाल दिए, और यहाँ बोले कि बच्चा बालिक है, यहाँ से उठाए वहाँ ले गए तो चिल्लर रूम में डाले मेरे बच्चा को। हमारे आदमी डायलिसिस होता है, हमारे आदमी का हम कितना मुसीबत में है, ऐसा करना चाहिए। हम हाथ भी जोड़ते हैं पुलिस लोग से कि भैया हम लोग यहाँ ना हुए, हमें लोग शादी मारे हैं, हमारा आदमी किडनी पेशेंट है, हमारा कुछ सुन लिया जाए, मगर कोई नहीं सुना। और मेरे को एक हरजन परिवार में शादी थी और उसमें कुछ बाहरी अराजक तत्व भी आ गए थे, जो शराब पी करके मोटरसाइकिल चला रहे थे। प्रधान के लड़के पर मोटरसाइकिल चढ़ गई, उसी पर कहा सुनने के बाद इन लोगों में झड़प हो गई। बाद में प्रधान उसे खत्म कर आए, जानने समझौता करने खत्म करने, तो प्रधान को पकड़ भी मारने लगे, तो कुछ गाँव के लोग आ करके हरजनों को भी दो चार को मार दिए। पर इतनी घटना है उसमें, और इसको इतना तूल दे दिया गया कि जब लगता था कितनी बड़ी अराजकता यहाँ पैदा हो गई है, उसके चलते पुलिस ने राजनीतिक कारणों से राजनीतिज्ञों के दबाव में दो विधायक यहाँ आए क्या, उन्होंने इस तरह इसको इतना राजनीतिकरण इसका कर दिया कि तमाम अधिकारी और प्रशासन SP सब इस गाँव में आए और मुस्लिम परिवारों को प्रताड़ित किया, जिससे सब मुस्लिम परिवार गाँव छोड़कर भाग गए, घर घर में छापा डाला। अब ये लोग आज कल के वार्ता के बाद कप्तान से आज उन्होंने आश्वासन दिया है, आज ये लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अब इनके आने के बाद पता चलेगा किस घर में क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि ताला तोड़ तोड़ करके पुलिस ने हर घर की तलाशी ली है। और ये इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, इसको हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हिंदू और मुसलमान दोनों परिवारों को कि इन लोगों ने इससे सांप्रदायिक रंग नहीं बताया, बल्कि ये दो परिवार दो लोगों के बीच का ही